नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चार पर दहेज उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज। बारा सगबर थाना क्षेत्र के गड़ेवा गांव निवासी महिला का शव उसके ही घर में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए परिजनों से धक्का मुक्की की। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस पति सहित चार पर दहेज उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। बारा सगबर थाना क्षेत्र के गांव गड़ेवा निवासी विनोद सैनी गुजरात के सूरत में प्राइवेट नौकरी करता है। छुट्टी पर वह घर आया था। विनोद के अनुसार सोमवार को वापस जाने के लिए कानपुर से उसकी ट्रेन थी। सुबह पत्नी मोनिका उम्र 28 वर्ष ने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन उसने मार्च में आने और साथ ले जाने की बात कही। पत्नी को समझाने के बाद छोटे भाई पंकज के साथ बाइक से कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए निकल गया। वह रास्ते में ही था तभी पत्नी के फंदे से लटक कर जान देने की सूचना मिली। पत्नी के फंदे से लटकने की सूचना पर वह घर लौटा और फतेहपुर के थाना जफरगंज के गांव गैरूखेड़ा निवासी ससुर राजू सैनी को दी। मोनिका का विवाह 4 साल पहले हुआ था। 1 साल की बेटी चाहत है। मोनिका की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बेटी को मार डालने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें शांत कराया। पिता राजू ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी का उत्पीड़न करते थे, कई बार मारपीट की थी। थानाध्यक्ष राजपाल ने बताया कि पिता की तहरीर पर मृतका के पति, सास, ससुर और देवर पंकज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।